श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, 4 बजने वाले हैं, तो हम लोग नहा धोके तैयार हो चुके हैं। मेरे हाथ में देखिए पूजा की थाली, मेरे पति देव जा रहे हैं ये, तो हम लोग मंदिर दर्शन करने को जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग के दर्शन, बाबा का स्नान इत्यादि करेंगे। और दोस्तों, आज जो है गुरु जी ने 2 उपाय कल की कथा में बताए थे जो है रोग मुक्ति के लिए है, तो वो उपाय भी हम करेंगे, तो साथ में हम आपको भी बताएंगे, तो आप भी करिएगा। रोग मुक्ति के लिए उपाय है, 2 उपाय बताए थे। और बेल फल का तो पता ही है आपको, जो कल बेल फल जो मुझे उपाय करना था वो मैं नहीं कर पाई, सोमवार करना था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सोमवार को नहीं कर पाए हैं तो अभी 23 से बैसाख ख़त्म होने से पहले यह उपाय करना है। क्या करना क्या है, आपको जो है बेलफल एक लाना है, पीला बेलफल लाना, और उसको फोड़ के उसका गूदा आपको निकाल के अंदर का उसको साफ़ सफाई से उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको जो है उसको जला के उसकी भस्म तैयार करनी है और छान के रख लेना है। वो आपके लिए जब आप कभी रुद्र अभिषेक कराएंगे, सावन भी आने वाले हैं तो सावन में भी आप जब रुद्र अभिषेक कराएंगे तो पंडित जी बताते हैं कि भस्म हमें चाहिए यही। तो गुरु जी ने बताया कि बेल की जो भस्म होती बहुत ही अच्छी होती, बहुत ही शुभकारी होती, लाभकारी होती है, तो ये बहुत ही प्रिय होती है भगवान को, महादेव जी को। तो ये आप भस्म बना के पहले से आप रख सकते हैं, ताकि आगे जब पंडित जी लिखे पर्चे में लिखते हैं तो वो आप जो है दे सके। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा पहले से। और जो उसका जो खोपड़ा बचता है तो उसमें आपको जल भर के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। तो ये आप उपाय कर लीजिएगा, 2-4 दिन बचे हैं बैसाख ख़त्म होने से पहले। देखिए मंदिर आ चुका है दोस्तों, चलिए दर्शन कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तु। देखिए दोस्तों दर्शन कर लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मंदिर आ चुके हैं, देखिए आप दर्शन करिए अच्छे से, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के दर्शन करिए, अपनी मनोकामना कर कहिए, अपनी परेशानी कहिए, आप अपने लिए जो भी प्रार्थना कर सकते करिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आप करेंगे तो वो आपकी पूर्ण होगी, बाबा महादेव बैठे हुए हैं, दीर्घ आयु होती है और सुख समृद्धि का वास होता है हमारे घर में। तो आप जो है सिर्फ आप मोबाइल पे भी दर्शन कर लेते हैं तो आपको दर्शन का ब्रह्म मुहूर्त में पूरा फल मिलता है। ऐसा मत सोचिए कि हम मोबाइल में देखते हैं तो हमें फल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको तब भी फल पूरा मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु, जय भोलेनाथ, जय हो काशी विश्वनाथ बाबा की, जय हो, जय हो काशी विश्वनाथ बाबा की, जय हो, जय हो नंदीश्वर महादेव की, जय हो, जय हो, जय हो, भगवान के दर्शन कर लीजिए, जय हो, जय माता। तो दोस्तों चलिए टाइम देख लेते हैं, टाइम है देखिए ये 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, आप देख सकते हैं। कल क्योंकि प्रदोष का दिन था, प्रदोष व्रत था, तो थोड़ा सा जो है कल शाम को हम पूजा करने आए थे मंदिर में तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो सुबह भी उठने में जैसे लग रहा देर हो गई, लेकिन अभी भी हमें आज मंदिर में बहुत साफ़ सफाई करनी है। आप देख सकते हैं पूजा इत्यादि होती है और बर्तन वर्तन भी मांजने रहते हैं, आज कलश भी मांजना है हमें। ये जो है यहाँ पे शिव जी की 5 पुत्रियों के स्थान है, जया, विशहरा, शामली बारी, दौतली और देव। तो यहाँ पे 5 टीका जरूर लगाया करिए चंदन के आप। तो दोस्तों फिर अब देर ना करते हुए भगवान की बाबा की पूजा इत्यादि करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।